दोस्तों, आजकल मार्केट में नया ट्रेंड आ गया है। लोग हेल्थ कॉन्शियस होने लगे हैं और हेल्थी रहने के लिए वो लाखों रुपए खर्च करके जिम जाने लगे हैं, एक्स्ट्रा सप्लीमेंट्स ले रहे हैं, प्रोटीन डाइट ले रहे हैं। पर इतना सब करने के बाद भी बीमारियां जो है वो पहले के कंपैरिजन बढ़ती ही जा रही है। इतना सब करके भी हम 100% फिट और हेल्दी लाइफ नहीं जी पा रहे हैं, तो ऐसा क्यों? तो इसका रीज़न मैं आपको सिर्फ एक शब्द में बताना चाहूँगी, वो है हमारी दिनचर्या। जी हाँ, बिना किसी औषधि या बिना किसी जिम के भी आप 100% हेल्दी और फिट लाइफ पा सकते हैं, सिर्फ अगर आप सही दिनचर्या फॉलो करते हैं। तो आज इसी दिनचर्या के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं, तो आइए शुरुआत करते हैं हमारे वीडियो के लिए। दोस्तों, मैं हूँ अर्चना और आप सबका स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल में, जिसका नाम है वैदिक पंचगव्य। दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल में हम आपको पंचगव्य चिकित्सा और हेल्थ रिलेटेड टिप्स के बारे में बताते रहेंगे। तो अगर आप भी इस तरह की जानकारी पाना चाहते हैं तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही साथ नीचे दिए गए बेल आइकॉन को भी क्लिक कीजिए, जिससे कि हमारे नए नए वीडियोज़ आपके पास सबसे पहले पहुँचते रहेंगे। ठीक है दोस्तों, हमें हमेशा लगता है कि गुजर गए वो ज़माने कितने अच्छे थे। हमारे दादा परदादा हमेशा कहते थे कि हमारे ज़माने में ये था, हमारे ज़माने में वो था। मतलब मुझे तो हमेशा यही लगता है कि चलो और कुछ नहीं तो कम से कम शुद्ध हवा, शुद्ध पानी और शुद्ध खाना ही मिल जाता है, कि नहीं? दोस्तों, आपने कभी गौर किया है कि पुराने ज़माने में बड़ी बड़ी इमारतें, बड़े बड़े किले, बड़े बड़े स्मारक, बड़े बड़े विश्वविद्यालय हुआ करते थे। पर आपने कभी ये सुना है कि फलाना फलाना कोई हॉस्पिटल है जो 2000 साल पुराना है? चलो कोई नहीं, 2000 नहीं तो कम से कम 1000 साल पुराना ही आप कोई हॉस्पिटल मुझे दिखा दो। दिखा पाओगे? बता पाओगे? नहीं बता पाओगे। तो वो क्यों? क्योंकि तब सब लोग फिट हुआ करते थे ना, और इसका रीज़न एक ही है, उनकी दिनचर्या। जी हाँ, जो उनकी बहुत अच्छी थी पर हमारी पूरी तरह से बिगड़ चुकी है। तो इसी दिनचर्या को सही तरीके से कैसे फॉलो करना है, ये आज हम डिटेल में देखने वाले हैं। दोस्तों, दिनचर्या का ये जो वीडियो है, मैं वो वीडियो में कुछ एपिसोड्स में डिवाइड करके बनाने वाली हूँ, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि हमारे डेली रूटीन की छोटी छोटी गलत आदतें हमें किस तरह से बीमार बनाती है, ये मैं आपको डिटेल में समझाऊँ। तो आइए शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले सुबह से शुरू करते हैं। दोस्तों, हमारे बॉडी पार्ट्स का एक टाइम टेबल होता है, बॉडी ऑर्गन्स का एक टाइम टेबल होता है। अब टाइम टेबल का मतलब क्या कि स्पेसिफिक टाइम पे स्पेसिफिक पार्ट को ज़्यादा एनर्जी मिलती है, या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि स्पेसिफिक टाइम पे वो ऑर्गन ज़्यादा अच्छे से एक्टिव रहता है। ठीक है, तो सुबह 3 से 5 का जो समय होता है वो हमारे लंग्स का होता है। तो इसलिए अगर हम ब्रह्म मुहूर्त पे या फिर सूर्योदय से 2.5 घंटा पहले उठते हैं और शुद्ध हवा में या फिर बाहर जाकर ब्रीदिंग या फिर वॉकिंग एक्सरसाइज करते हैं, तो वो हमारे लंग्स के लिए बहुत अच्छा है। इसकी वजह से हमारे लंग्स ज़्यादा एफिशिएंटली काम कर पाते हैं। शुद्ध हवा में जो ऑक्सीजन लंग्स लेता है, उसकी वजह से दमा, अस्थमा या फिर ब्रीदिंग रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व करने में काफ़ी तरह से हेल्प मिलती है। ये भी डॉक्टर्स ने प्रूव किया है। ऐसे ही थोड़े ना, हमारे पूर्वज ऋषि मुनि सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त पे उठ के 100 100 150 150 साल तक जिया करते थे। दोस्तों, हम इंडियंस की प्रॉब्लम क्या है पता है? हमारे पास सब कुछ है, हमारे पूर्वजों ने दिया हुआ भी और थैंक गॉड भगवान ने दिया हुआ भी, पर हम क्या करते हैं, हम है कि वेस्टर्न कल्चर फॉलो करने में लगे हुए हैं। मतलब क्या, लेट उठेंगे, फिर उठने के बाद आराम से चाय कॉफ़ी पियेंगे, फिर लेट खाना खाएंगे, रात को लेट तक पार्टी करेंगे, लेट घर आएंगे, लेट सोएंगे, और अपना ही नहीं बल्कि अपने साथ अपने घर वालों का भी बेड़ा गर्क करके रख देंगे। जी हाँ दोस्तों, मैं बिल्कुल सही कह रही हूँ। मतलब मैंने कितने सारे लोगों को ऐसे देखा है जो चाय के बिना रह ही नहीं सकते। सुबह की चाय मिलनी चाहिए, मतलब चाहिए, मतलब अगर सुबह की चाय नहीं पी तो उनको फ्रेश नहीं लगता है, सुबह की चाय नहीं पी तो उनका मूड नहीं बनता है, सुबह की चाय नहीं पी तो प्रेशर नहीं आता है, सुबह की चाय नहीं पी तो पेट साफ नहीं होता है। मतलब मुझे तो ऐसा लगता है ना कि इस चाय को राष्ट्रीय नशा ही घोषित करके रखना चाहिए। हाँ ठीक ही कह रही हूँ ना मैं, क्योंकि वैसे भी सिगरेट, शराब या फिर गांजा, ये सब नज़र आने वाले नशा है दोस्तों, पर चाय इंसान को अंदर से किस तरह से खोखला करता है, आपको आप इस बात की कल्पना तक नहीं कर सकते। दोस्तों, हम लोगों को चाय इतनी हानिकारक है दोस्तों, क्यों नहीं पीनी चाहिए, इसका रीज़न मैं आपको बताने वाली हूँ। दोस्तों, आयुर्वेद में कहा गया है कि जो चीज़ जहाँ पे उगती है, जहाँ पे फलती है फूलती है, वो चीज़ वहीं के लिए अच्छी है। तो आप बताइए, चाय कहाँ पे उगती है? हमारे यहाँ पे मैदानी इलाकों में, मतलब महाराष्ट्र में, यूपी में, एमपी में उगती है चाय? नहीं उगती है। चाय ठंडे इलाकों पे उगती है, पहाड़ी इलाकों में उगती है। तो वहाँ के लोगों के लिए चाय ठीक है, वो भी कभी कभी अगर वो लेते हैं, तो वो भी रोज़ नहीं लेनी चाहिए। इसकी वजह क्या है दोस्तों, क्या होता है ना कि ठंडे इलाकों में जो लोग रहते हैं, ठंडे प्रदेशों में जो लोग रहते हैं, उनका बीपी नॉर्मल से थोड़ा कम रहता है, नॉर्मल से थोड़ा कम, जिसकी वजह से उनके बीपी को नॉर्मल पे रखने के लिए वो अगर चाय का सेवन कभी कभार कर लेते हैं तो वो उनके उनके लिए सेहतमंद है।
पर इसके एग्जैक्टली अपोजिट क्या होता है, मैदानी इलाकों में जो लोग रहते हैं जैसे कि हम लोग रहते हैं, तो मैदानी इलाकों में जो भी लोग हैं उनका बीपी नॉर्मल से थोड़ा ज़्यादा होता है। तो ऐसे में अगर हम दिन में 2 कप 3 कप 4 कप चाय पियेंगे तो सोचिए हमारे बीपी का क्या हाल होता होगा। तो यही एक वजह है दोस्तों कि आपका बीपी भी बढ़ा हुआ रहता है। आप चाय बंद कर दीजिए, आपका बीपी नॉर्मल में आ जाएगा, ये मैं आपको गारंटी देती हूँ। तो ठीक है दोस्तों, तो फिर आप समझ ही गए होंगे कि सुबह उठने के बाद हमें सुबह सुबह उठने के बाद ब्रीदिंग एक्सरसाइज करना है, वॉकिंग एक्सरसाइज करना है, चाय नहीं पीनी है। तो अब आप कहेंगे चाय नहीं पीने पीनी है तो फिर क्या करेंगे? चाय नहीं पीनी है दोस्तों आपको सुबह सुबह उठने के बाद, सबसे पहले आपको उषापान करना है। अब उषापान का मतलब क्या होता है? बिना ब्रश किए, बिना मुंह साफ किए 1 से 1.5 गिलास, जितना ज़्यादा से ज़्यादा आपसे हो सके उतना गुनगुना पानी आप पी लीजिए, बिना मुंह धोए बिना ब्रश कीजिए। अब इसमें भी बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम होती है, वो कहते हैं कि भाई मुंह तो साफ़ किया हुआ नहीं रहता है, फिर ऐसे ही कैसे मुंह साफ़ किए बिना पानी पी ले ये वो। तो ये तो इसका भी एक बहुत अच्छा रीज़न मैं आपको बताना चाहूँगी दोस्तों। दोस्तों हमारी जो लार रहती है, हमारी जो सलाइवा रहती है, तो उसमें लाइसोजाइम करके एक बहुत अच्छा एंजाइम होता है, वो जो नेचुरली हमारे बॉडी में बनता है। तो ये जो लाइसोजाइम होता है ये बहुत अच्छा एंटीबायोटिक होता है हमारे पाचन संस्था के लिए, हमारे बॉडी के लिए। ये लाइसोजाइम जितना ज़्यादा से ज़्यादा हमारे पेट में जाता है उतनी हमारी पाचन संस्था स्वस्थ रहती है। और ये मैं नहीं कह रही हूँ दोस्तों, आप गूगल पे जाके सर्च कर सकते हैं, गूगल पे विकीपीडिया में आपको उसकी अच्छी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। लाइसोजाइम नाम से आप सर्च कीजिए, आपको इसकी पूरी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो ये जो लाइसोजाइम एंजाइम हमारे सलाइवा के द्वारा हमारे पेट में जाता है तो वो एक एंटीबायोटिक की तरह काम करता है। तो क्या होता है, जब हम सुबह उठते हैं तो रात भर में जो कॉन्सेंट्रेटेड सलाइवा हमारे मुंह में बनता है तो उसमें जो लाइसोजाइम होता है वो सुबह सुबह जब पेट में जाता है तो पेट की एसिडिटी को कम करता है। और इसीलिए सुबह सुबह बिना मुंह धोए वो पी लेना चाहिए। सुबह की जो मुंह में लार होती है दोस्तों वो इतनी औषधि होती है कि मैं आपको बता नहीं सकती। और हम क्या करते हैं, टूथपेस्ट लेते हैं, टूथब्रश लेते हैं और थूक देते हैं। टूथपेस्ट बिल्कुल यूज़ नहीं करना चाहिए दोस्तों। और क्यों नहीं यूज़ करना चाहिए, इसके मैं आपको 1000 रीज़न बता सकती हूँ। सबसे पहला रीज़न तो यह है कि टूथपेस्ट में फ्लोराइड्स होते हैं। खैर आजकल तो फिर भी सारी कंपनीज बोल रही है कि हम फ्लोराइड फ्री टूथपेस्ट बना रहे हैं, पर फ्लोराइड को छोड़ के भी इतने सारे सब्सटेंस उसमें ऐसे हैं जो हमारे पेट में बिल्कुल नहीं जाने चाहिए। मतलब टूथपेस्ट एक ऐसी चीज़ है कि जो हमें खानी नहीं चाहिए पर फिर भी हम रोज़ खाते हैं, क्यों खाते ही है ना। मतलब छोटे बच्चे तो वैसे भी ब्रश करते तो पूरा निकल ही जाते हैं, वो कहाँ थूकते हैं। दोस्तों टूथपेस्ट में सोडियम लॉरेल सल्फेट होता है। यही सोडियम लॉरेल सल्फेट आपके वॉशिंग पाउडर में भी है, आपके नहाने के साबुन में भी है, आपके कपड़े धोने के साबुन में भी है। ये सोडियम लॉरेल सल्फेट झाग लाने का काम करता है दोस्तों, जो हमारे बॉडी के लिए, हमारे शरीर के लिए बहुत ज़्यादा हानिकारक होता है। ठीक है, इसको भी छोड़ दीजिए। सेकेंड वाला सब्सटेंस है जो हमारे शरीर के लिए बहुत हानिकारक है, वो है सोडियम बेंजोएट। सोडियम बेंजोएट एक प्रिजर्वेटिव के तौर पर यूज़ करते हैं टूथपेस्ट में। तो ये सोडियम बेंजोएट से क्या होता है दोस्तों, सोडियम बेंजोएट अगर हमारे ब्लड स्ट्रीम में डायरेक्टली चला जाए तो वो कैंसर सेल्स को बढ़ावा देता है दोस्तों। तो आप सोचिए, सपोज आप ब्रश कर रहे हैं तो कभी कभी खून आ जाता है मसूड़ों में, तो वो खून के द्वारा डायरेक्टली हमारे ब्लड स्ट्रीम में एंटर करता है, तो सोचिए वो कितना खतरनाक हो सकता है। और इसी यही एक वजह है कि आजकल मतलब 1970 या 1980s के बाद जब से टूथपेस्ट लोगों ने यूज़ करना शुरू कर दिया है, हम लोग बहुत फॉरवर्ड हो गए बोल के, जब से ये सब यूज़ करना शुरू कर दिया है तब से कैंसर का परसेंटेज बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है और अभी भी बढ़ ही रहा है इंडिया में तो खासकर। आप सोचिए अगर आपके छोटे छोटे बच्चे अभी से ये टूथपेस्ट निगल रहे हैं, डायरेक्टली उनके पेट में ये सोडियम बेंजोएट जा रहा है, तो ये आगे जाके उनके लिए कितना हानिकारक हो सकता है दोस्तों। तो समझ गए आप, आपको टूथपेस्ट यूज़ नहीं करना है। तो अभी आप कहेंगे कि टूथपेस्ट नहीं यूज़ करेंगे तो फिर दांत कैसे साफ़ करेंगे? तो दोस्तों पहली बात तो इंसान को दांत साफ़ करने की ज़रूरत ही क्यों पड़ती है, ठीक है ना। मतलब बहुत सारे पशु होते हैं, कुत्ता है, बिल्ली है, उनको कभी देखा है आपने ब्रश लेके ब्रश कर रहे हैं? नहीं, वो कभी नहीं करते हैं ऐसा, क्योंकि उनको कभी ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। इसका रीज़न है उनकी दिनचर्या, मतलब वो अपने दिनचर्या का प्रॉपरली पालन करते हैं। जब उनको खाना चाहिए तब खाते हैं, जब सोना चाहिए तब सोते हैं। पर इंसान का ऐसा नहीं है, जब मन आया खा लिया, जब मन आया तभी सो लिया। तो ये बिगड़ने की दिनचर्या की वजह से ही हमको दांत साफ़ करने की ज़रूरत पड़ती है, और इतना सब करके भी हमारे दांत खराब हो रहे हैं वो बात अलग है कि नहीं। तो टूथपेस्ट नहीं यूज़ करना है तो आपको क्या यूज़ करना है, आपको पंचगव्य मंजन यूज़ करना है दोस्तों।
आपके आसपास में कहीं खोजिए, गौशाला अगर होगी तो गौशाला में देशी गाय के गव्य से और भी कई सारी औषधि डाल के वो लोग बहुत अच्छा एक मंजन बनाते हैं जिसको पंचगव्य मंजन कहते हैं, वो आप यूज़ कीजिए। इससे क्या होता है दोस्तों के लाड़ भी अच्छी बनती है। हाँ, और एक मैं बात आपको बताना भूल गई टूथपेस्ट के बारे में। क्या होता है दोस्तों कि हमारे बॉडी में एसिड और अल्कली 24 आवर्स बनने का काम चलते रहता है। एसिड हमारे पेट में बनता है और अल्कली मतलब हम अल्कली जो हमारे लार के द्वारा बनती रहती है, हमारी लार क्षारीय होती है, अल्कलाइन होती है। तो 24 आवर्स हमारे बॉडी में ये काम चलते रहता है एसिड बनाने का और अल्कली बनाने का। और ये जब अल्कली हमारे पेट में जाती है तो एसिड के साथ बिल्कुल न्यूट्रल हो जाती है, जिससे हमारी एसिडिटी शांत हो जाती है और हम नॉर्मल रहते हैं। ठीक है, तो जब हम टूथपेस्ट से ब्रश करते हैं तो उसके बाद क्या होता है दोस्तों, टूथपेस्ट से ब्रश करने के बाद उसमें जो केमिकल्स होते हैं तो उन केमिकल्स की वजह से मुंह में ला तैयार होना या फिर सलाइवा बनना कम से कम 1-1.5 घंटे के लिए बंद हो जाता है। तो आप सोचिए, एसिड आपके पेट में बन रहा है 24 आवर्स, ठीक है, और ब्रश आपने सपोज 2 बार कर लिया, सुबह 1 बार और रात को सोते टाइम 1 बार, तो सुबह का 1 घंटा गया, शाम का 1 घंटा गया, तो लार कितने दिन कितने टाइम बन रही है, सिर्फ 22 आवर्स। इससे आपकी एसिडिटी तो बढ़ेगी ना। यही एक रीज़न है कि टूथपेस्ट इस्तेमाल करने वाले बहुत सारे लोगों में बढ़ी हुई एसिडिटी हमेशा देखने को मिलती है। तो अगर आप भी चाहते हैं कि आप अपनी एसिडिटी कम करवाना चाहते हैं तो आप टूथपेस्ट का इस्तेमाल तुरंत बंद कर दीजिए और पंचगव्य मंजन यूज़ करना शुरू कर दीजिए। ठीक है दोस्तों, ओके। तो अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। तो आपको उषापान करना है, उषापान मतलब गुनगुना पानी पीना है। तो यहाँ पे आता है पानी का नियम। तो पानी का सबसे इम्पोर्टेंट नियम है दोस्तों कि पानी हमेशा नीचे बैठ के सिप सिप करके धीरे धीरे लार के साथ मिक्स करके पीना चाहिए। आयुर्वेद में कहा गया है कि खाना पीना चाहिए और पानी खाना चाहिए। पानी खाना चाहिए इसका मतलब क्या, पानी खाना चाहिए मतलब खाना जैसे हमारे जितने देर हमारे तक हमारे मुंह में रहता है उतने ही देर में पानी को मुंह में घुमाएं, अच्छे से सलाइवा के साथ मिक्स करें और फिर पेट में जाए तो अच्छा है, क्योंकि वो हमारे सलाइवा के साथ मिक्स होके जाता है। और ये सलाइवा के साथ मिक्स होके अंदर जाने का फ़ायदा क्या है वो मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ दोस्तों। ठीक है, ओके। तो पानी पीने का अगला नियम आता है दोस्तों कि पानी हमेशा खाना खाने के 45 मिनट्स पहले और खाना खाने के 1.5 घंटे बाद ही पीना है। खाना खाते समय और खाना खाने के तुरंत बाद पानी बिल्कुल ना पिए दोस्तों। अगर आप हेल्दी रहना चाहते हैं, फिट रहना चाहते हैं, तो ये नियम आपको फॉलो करना ही करना है। शुरुआत के कुछ दिनों में आपको हार्ड जाएगा, टफ जाएगा, पर आप ट्राई करना मत छोड़िए, क्योंकि ये नियम हमारे शरीर के लिए मस्ट है दोस्तों। खाना खाते वक्त बिल्कुल भी पानी नहीं पीना चाहिए। हाँ, अगर आप चाहते ही है तो 2 खानों के बीच में 1 सिप पानी पी सकते हैं, जैसे कि पहले दाल जैसे कि पहले सब्जी रोटी खा ली जैसे कि पहले सब्जी रोटी खा ली और अब दाल चावल शुरू करने वाले हैं, तो इसके बीच में आप 1 सिप पानी पी सकते हैं, वो चलेगा। ठीक है दोस्तों, पर खाने के दौरान और खाने के तुरंत बाद आपको पानी नहीं पीना है। इसका रीज़न भी मैं आपको बताती हूँ दोस्तों। सपोज़ हम लोग खाना बना रहे हैं, सपोज़ खीर बन रही है, ठीक है, गैस पे बर्तन चढ़ा दिया मैंने, बर्तन में चावल डाल दिए, दूध डाल दिए, शक्कर डाल दिया और गैस ऑन कर दिया। अभी मेरी खीर पक रही है, ठीक है, तो खीर पक रही है और बीच में से ही जाके मैंने गैस पे पानी डाल दिया, क्या हो जाएगा, गैस बुझ जाएगी ना। वही होता है, गैस बुझ जाएगी और खाना पकता ही नहीं है। और एग्जैक्टली सेम सिनेरियो होगा हमारे पेट में, क्योंकि अब जब हम खाना खाते हैं तो हमारे पेट में जठराग्नि प्रदीप्त होती है दोस्तों। और जब हम खाना खाने के तुरंत बाद या फिर खाना खाने के दौरान पानी पी लेते हैं तो ये जठर अग्नि बुझ जाती है, जिसकी वजह से खाना जो हमने खाया हुआ खाना होता है वो पच नहीं पाता है, वो डाइजेस्ट नहीं हो पाता है और वो पेट में पड़े पड़े वैसे ही चढ़ जाता है। और ये सड़ा हुआ खाना अपने साथ इतनी सारी बीमारियाँ लेके आता है दोस्तों कि आप सोच नहीं सकते हैं। इस तरह से सड़ा हुआ खाना ही आपको अपचन, एसिडिटी, खट्टी डकारे, पेट में दर्द ऐसे और ऐसे अनेक अनेक पेट की बीमारियां आपको देके जाएगा दोस्तों। इसीलिए आप अगर अपने पेट को स्वस्थ रखना चाहते हैं तो ये एक पानी का नियम गांठ बांध ले कि खाना खाते वक्त पानी नहीं पीना है, मतलब नहीं पीना है। ठीक है दोस्तों, पानी का सबसे इम्पोर्टेंट नियम है कि हमें पानी हमेशा नीचे बैठ के सिप सिप करके ही पीना चाहिए। हमें खड़े रह के कभी भी पानी नहीं पीना है दोस्तों, क्योंकि अगर हम खड़े रह के पानी पीते हैं तो क्या होता है, हमारे जो शरीर में जॉइंट्स के जो लुब्रिकेंट्स होते हैं वो उस पानी के साथ बह जाते हैं, जिसकी वजह से अगर आप भी उनमें से एक है जो सालों से खड़े रह के पानी पीने के आदी है, खड़े रह के आप गड़गड़ गड़गड़ करके पानी पी जाते हैं, तो आपको आगे जाके घुटनों का दर्द, जोड़ों का दर्द होने ही वाला है, ये मैं आपको लिख के देती हूँ।
खड़े रह के पानी पीने का अगला जो डिसएडवांटेज है दोस्तों, वो है आपके किडनी के ऊपर प्रेशर आता है। अगर आप खड़े रह के पानी पीते हैं तो उससे डायरेक्टली आपके किडनी के ऊपर प्रेशर आता है, जो आपकी किडनी के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है। इससे इसकी वजह से आगे जाके आपको किडनी के रिलेटेड समस्याएं फेस करनी पड़ सकती है। इसीलिए आप हमेशा जहाँ भी कहीं भी हो आप बैठ जाइए, बैठ के नीचे नीचे बैठ के अच्छे से सिप सिप करके धीरे धीरे पानी पीजिए। तो अगला पानी का नियम देखते हैं। पानी का अगला नियम है पानी स्टोर कैसे करके रखना है। ठीक है, तो पानी हमेशा तांबे के या फिर मिट्टी के बर्तन में ही स्टोर करके रखें दोस्तों, क्योंकि तांबे में नेचुरल एंटीबायोटिक गुण होते हैं जो पानी को हेल्दी बनाए रखते हैं हमारे सेहत के लिए। पानी कभी भी एल्यूमिनियम या प्लास्टिक के बर्तन में कभी भी स्टोर नहीं करना चाहिए दोस्तों। एल्यूमिनियम हमारे शरीर के लिए बहुत हानिकारक है। आप उसके नुकसान नेट पे जाके सर्च कर कीजिए, आपको लाखों में मिल जाएंगे। ठीक है, तो पानी हमेशा मिट्टी के घड़े में या फिर तांबे के बर्तन में ही रखें। जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके गुनगुना पानी पिया करें। गर्मी के मौसम में आप मिट्टी के घड़े का पानी पी सकते हैं, पर फ्रिज का पानी नहीं पीना है दोस्तों। फ्रिज का पानी हमारे शरीर के लिए बहुत नुकसानदायक है। ठीक है, अब अगला पॉइंट आता है दोस्तों। मुझे बहुत सारे लोग पूछते हैं कि आरओ का पानी पीना चाहिए कि नहीं पीना चाहिए। तो मेरा ये मानना है दोस्तों कि आरओ का पानी बिल्कुल नहीं पीना चाहिए। पर आजकल क्या हो गया है ना, ये जैसे प्रेस्टीज पॉइंट हो गया है कि नहीं भाई, हम तो आरओ का ही पानी पीते हैं, हमको तो आरओ के पानी के सिवा होता ही नहीं है, हम बाहर का कहीं का पानी पीते ही नहीं है। प्रेस्टीज पॉइंट हो गया लोगों में कि हमारे घर में आरओ लगा हुआ है दोस्तों। दोस्तों मैं उन सबसे ये कहना चाहूँगी कि जी हाँ, बिल्कुल सही है, आरओ का पानी, आरओ की मशीन पानी को प्योरीफाई करती है। बिल्कुल सही है, आरओ की मशीन पानी को प्योरीफाई करती है, पर भाई कितना प्योरीफाई करेगा वो? उसमें के जो गंदगी है, अच्छे मिनरल है, बुरे मिनरल है, सबको ही निकाल के बाहर फेंक देता है। तो बचता क्या है पानी में? पूरा मिनरललेस पानी रहता है जो हम लोग पीते हैं। और ऐसा मिनरललेस पानी हमारे सिर्फ जीभ को या फिर हमारी प्यास बुझाने के लिए काम आ सकता है, पर वो हमारे बॉडी को कुछ भी हेल्प नहीं करता है दोस्तों। कुछ भी फायदेमंद नहीं होता है, इनफैक्ट नुकसान ही करता है। वो कैसे? तो आप जानते ही हैं कि पानी जिस भी चीज़ में डालो वो उसका गुंधर्व ले लेता है। सही है ना? अगर पानी में दूध में डाल अगर मैं दूध में पानी डालती हूँ तो वो दूध का गुंधर्व ले लेगा। अगर मैं दही में डालती हूँ तो दही का गुंधर्व ले लेगा। अगर मैं पानी में शक्कर डालती हूँ तो उसमें शक्कर के गुंधर्व आ जाएंगे। ठीक है, तो बिल्कुल इसी तरह से होता है जब ये मिनरललेस पानी हमारे बॉडी में जाता है, क्योंकि वैसे ही उसमें मिनरल्स नहीं होते हैं। तो हमारे बॉडी में जो नेचुरली प्रेजेंट मिनरल्स होते हैं, कैल्शियम, फॉस्फोरस, मैंगनीज, जो भी हमारे बॉडी में मिनरल्स प्रेजेंट होते हैं, वो क्या करता है, हमारे बॉडी में जाने के बाद उन सारे मिनरल्स को सोक कर लेता है और सोक करके मूत्र के द्वारा निकल जाता है। तो इससे क्या हुआ दोस्तों, हमारे बॉडी में जो नेचुरली प्रेजेंट मिनरल्स थे वो भी निकल गए ये पानी पीने की वजह से। तो इसकी वजह से हमारे बॉडी में मिनरल्स की डिफिशियंसी हो जाती है दोस्तों। और ये मिनरल्स की डिफिशियंसी अपने साथ बहुत सारी बीमारियों को लेके आती है, जिस तरह जैसे कि शारीरिक थकान या फिर कमजोरी या फिर मानसिक भी बीमारियाँ। और ज़्यादा से ज़्यादा केसेस में तो ये भी देखा गया है कि किडनी के भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स हो सकते हैं दोस्तों। तो अगर आप इन सारी खतरनाक बीमारियों से बचना चाहते हैं तो आरओ का पानी पी रहे होंगे, तो आरओ बंद करके रख दीजिए। एक अच्छा सा फिल्टर लेके आए, फिल्टर तांबे का फिल्टर लेके आइए और उसका ही उससे ही फिल्टर किया हुआ पानी पीजिए। ठीक है दोस्तों, तो देखा दोस्तों, छोटे छोटे नियम होते हैं हमारे लाइफ में जो अगर हम फॉलो करते हैं, जैसे पानी खड़े रह के नहीं पीना चाहिए क्योंकि हमारे जॉइंट्स बह जाते हैं, जॉइंट्स के जो लुब्रिकेंट्स होते हैं वो बह के निकल जाते हैं। ये कितना सिंपल सा नियम है कि पानी खड़े रह के नहीं पीना है, पानी हमेशा बैठ के ही पीना चाहिए, पर ये लोगों को पता ही नहीं होता है। तो ऐसे ही छोटे छोटे नियम आप फॉलो कीजिए और अपने घुटनों का दर्द, पेट का दर्द, अपने पूरे बॉडी को आप हेल्दी रखने की कोशिश कीजिए। और यही दिनचर्या के छोटे छोटे नियम मैं आपको अगले वीडियोस में भी बताती रहूँगी। अगले वीडियो में हम देखेंगे कि खाने के नियम और दूध पीने के नियम क्या है, उनके बारे में जानेंगे। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा दोस्तों, तो मैं हमारे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। साथ ही साथ नीचे दिए गए बेल आइकॉन को भी दबाएं, जिससे कि हमारे नए नए वीडियोस आपके पास सबसे पहले पहुंचते रहेंगे। थैंक यू।